माइक से डॉक्टर शशांक कुमार और आप जानते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। फटाफट जुड़ जाते हैं और कॉपी पेन लेके तैयार रहते हैं। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये बात और है कि काफी दिनों के बाद हम लोग लाइव सामने सामने मिल पा रहे हैं, क्योंकि अब तक आपको रिकॉर्ड वीडियोस जो है वो मिल रहे थे। आई होप कि आपने उन सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और उनसे चीजों को सीखा भी होगा और नोट भी किया होगा, और अगर नहीं किया तो एक बार फिर से उन वीडियो को देख करके अपने नोट्स जरूर बना ले। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग अपनी पिछली क्लास में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसके आगे की बातचीत करेंगे, और एक बार आपको प्रीवियस चीजें बताते हुए फिर आगे के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं देख पा रहा हूं कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भी लोग जुड़ जाते हैं, हम लोग अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। कॉपी पेन पे जरूर नोट करते जाइए, क्योंकि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं अपना इन्वायरमेंट अगर क्लासरूम जैसा रखेंगे तो ज्यादा बेटर होता है कॉपी पेन लेकर के बैठ करके अच्छे से पढ़ना। तो आपको बता दें कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्लांट ग्रोथ, फिर हम लोगों ने कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हॉर्मोन्स और प्लांट मूवमेंट। तो ये तीन चीजें थी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये तीन चीजें थी, प्लांट ग्रोथ, प्लांट हॉर्मोन्स एंड प्लांट मूवमेंट। ये तीन चीजें हैं जो एग्जाम में कई बार आपसे पूछी गई हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में प्लांट ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया था कि प्लांट ग्रोथ क्या होता है, प्लांट ग्रोथ किस तरीके से होता है, प्लांट ग्रोथ में किस तरीके से सेल्स काम करते हैं। थोड़ा सा इसको रिवाइज कराते हुए प्लांट हार्मोन की तरफ आएंगे और फिर बढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट की तरफ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लांट ग्रोथ। आपको याद होगा, आप अपनी कॉपी में मिला लेना, मैंने आपको ग्रोथ की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि ग्रोथ होता क्या है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा ग्रोथ होता क्या है? मैं इस टॉपिक को रिवाइज कराऊंगा क्योंकि मैंने इसको पढ़ा दिया है, तो मैं केवल एक क्विक रिविजन इसका लूंगा प्लांट ग्रोथ का। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाकर के एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कई दिनों की क्लास में उसको मैंने पढ़ाया था बहुत डिटेल में। ठीक है, तो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या थी? इररिवर्सिबल चेंज अपरिवर्तनीय परिवर्तन। एक शब्द में अगर हम इसको बोलें तो हम ये कहेंगे अपरिवर्तनीय परिवर्तन को हम प्लांट ग्रोथ कहते हैं। तो हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं, देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ राजेश कुमार, राय अखिलेश, राजेश मुन्ना, राजभर, प्रीति राज और मुन्ना राजभर और राजेश कुमार, ये सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून बेटा, आपके चैट मेरे तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क हो तो आगे पीछे थोड़ा नेटवर्क की वजह से चैट्स आते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ते रहे। तो मैंने बताया कि ग्रोथ जो होता है वो इररिवर्सिबल चेंज, अपरिवर्तनीय परिवर्तन को ग्रोथ कहते हैं। तो वृद्धि का मतलब क्या है? वृद्धि का मतलब किसी भी पौधे की बात यहाँ पे हो रही है। तो किसी भी पौधे के शुष्क भार में, मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इसमें होने वाले अपरिवर्तनीय परिवर्तन को हम ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में ये सब पढ़ाया हुआ है, मैं आज रिवाइज करा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से समझें, जो लोग नहीं पढ़े थे उन्हीं के लिए मैं फिर से बता रहा हूं, और जो पढ़े थे उनका रिवीजन हो जाएगा।
तो शुष्क भार में होने वाले अपरिवर्तनीय परिवर्तन को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ बोल रहे हैं। अब बात आती है कि ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि ग्रोथ डिपेंड करता है सेल पे, है ना, इंटरनल फैक्टर पे और एक्सटर्नल फैक्टर पे। ये तीन तरह के चीजें हैं, मतलब कोशिका पे, आंतरिक कारक पे और बाह्य कारक पे। ये तीन तरह के कारक हैं, तीन तरह के फैक्टर हैं जिसपे किसी भी पौधे की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। ठीक, ये तो सबको याद है। अब एक एक करके सबको समझते हैं। देखो ये सबको दिख रहा है ना अच्छे से। यहाँ पे सेल में क्या था आपको याद होगा, मैंने बताया था विभाज्योतक ऊतक, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया है। यानी कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू, तो सेल पे कौन सी चीज पे डिपेंड करता है? मेरिस्टमैटिक टिश्यू पे, विभाज्योतक ऊतक के ऊपर। पौधों में विभाज्योतक ऊतक होती है ऐसी ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता हो, ऐसा टिश्यू हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन, दैट इज कॉल्ड मेरिस्टमैटिक टिश्यू। तो ऐसे विभाज्योतक ऊतक यानी कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू लगातार डिवाइड होते रहते हैं और पौधे के लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को बढ़ाते हैं और इस घटना को हम वृद्धि कहते हैं। तो ये हेल्प करते हैं। ठीक है, मेरिस्टमैटिक तीन तरह के होते थे, सबको याद होगा। एक एपिकल होता था, एक लेटरल होता था और एक इंटर गैलरी होता था। तो ये तीन तरीके के मेरिस्टमैटिक होते थे, है ना। एपिकल मतलब शीर्षस्थ, जो जड़ और तने के शीर्ष पे, इसको शीर्षस्थ विभाज्योतक भी कहते थे हम लोग, एपिकल को। जड़ और तना का जो ऊपर का टिप था तो तने की लंबाई और जड़ों की लंबाई बढ़ाता था। जो लेटरल था वो मोटाई बढ़ाता था, तने और जड़ की मोटाई बढ़ाने में काम करता था। कौन? लेटरल वाला। और जो इंटर कैलरी था वो तने में पाया जाता था, जो नोड और इंटर नोड याद है, बताया था इस तरीके से, ये जो नोड्स हैं, ये नोड्स है ना, पर्व संधियां, तो इनके बीच में पाया जाता है इंटर कैलरी। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू में तीन तरह के हैं, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी, जो मिलकर पौधे की वृद्धि को इंक्रीज करते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा है, कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं बताते हैं कि सर एग्जाम दिए तो उसमें ये क्वेश्चन आया कि वो कौन सी विभाज्योतक ऊतक है जो जड़ों में अब्सेंट होती है। कौन बताएगा जड़ों में कौन सी विभाज्योतक ऊतक अब्सेंट है, जरा बताइए। एपिकल अब्सेंट है कि लेटरल अब्सेंट है कि इंटर कैलरी अब्सेंट है? सही ऑप्शन है इंटर कैलरी। क्यों? क्योंकि एपिकल लंबाई बढ़ाती है, ये जड़ और तने दोनों में पाई जाती है। लेटरल मोटाई बढ़ाती है, ये भी जड़ और तने दोनों में पाई जाती है। लेकिन इंटर कैलरी केवल तने में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये पर्व और पर्व संधियों पे पाई जाती है और जड़ों में पर्व और पर्व संधियां नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये जड़ों में अब्सेंट होती है और तने में प्रेजेंट होती है, ये दोनों जड़ और तने दोनों में पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने रिवाइज करा दिया है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो सबको यहां तक समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरी जो चीज है, मैं तुम लोगों के चैट्स लगातार देख रहा हूं, तो इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो इंटरनल फैक्टर में बताया था कि इसमें दो कंडीशंस होती हैं,
एक होती है केमिकल। देखो आज मैं रिवाइज करा रहा हूं इस टॉपिक को ताकि जल्दी से रिवाइज करके फिर आगे चले, क्योंकि क्लास को बहुत दिन हो गया था तो इसलिए मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े थे, जो पढ़े थे, सबका रिविजन हो जाए और फिर आगे के कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर में एक होता है केमिकल फैक्टर और एक होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर ये तो जीन पे डिपेंड करता है, जो जेनेटिक्स होती है ना, उस जीन पे डिपेंड करता है, जीन कैसा होगा प्लांट का। अब पौधा लंबा है तो उसके बीज भी लंबे वाले होंगे, है ना, तो वो चीज। केमिकल फैक्टर में हॉर्मोन्स आते हैं, तो ये हम लोग प्लांट हॉर्मोन्स में डिस्कस कर रहे हैं तो वहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर में कौन कौन आता है, जेनेटिक फैक्टर और हॉर्मोन्स। फिर एक्सटर्नल फैक्टर की बात हुई थी, एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है जैसे तापमान हो गया, है ना, मतलब कि वाटर, एयर, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वेदर, क्लाइमेट, है ना, तापमान, वाटर, एयर, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वेदर, क्लाइमेट, सॉइल, लैंड एरिया इत्यादि एक्सेट्रा। तो किसी भी प्लांट के अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर मतलब कि वो बाह्य कारक जो पौधे की वृद्धि पे प्रभाव डालें, वो क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं तापमान हो सकता है, जैसे हर पौधे को अलग अलग तापमान चाहिए, है ना, किसी को ज्यादा तापमान चाहिए, किसी को कम चाहिए। अब सर्दी वाले पौधे को गर्मी में लगा दो, मर जाएगा पौधा। वाटर, पानी, किसी पौधे को पानी ज्यादा चाहिए, जैसे मान लो धान है तो उसको पानी ज्यादा चाहिए। चाय की खेती, चाय को पानी कम चाहिए, तो जिसको जो चाहिए वो उस हिसाब से हम इसको प्रोवाइड करें। तीसरा होता है एयर, हवा। भाई अगर पॉलिनेशन एयर से होना है तो वहां एयर ही इन्वायरमेंट होना चाहिए ना। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कितनी है, वहां का मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, मिट्टी किस प्रकार की है, कोई बलुई मिट्टी में होगा, कोई दोमट मिट्टी में होगा, है ना, सब अलग अलग प्रकार की मिट्टी होगी। लैंड एरिया, जमीन कैसा है, खाला है कि ऊंचा है, ढलान है, सीढ़ी है, क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है। अब चाय की खेती को हम धान वाले खेत में बो दें और खूब पानी भर दें तो चाय की हर पत्ती सड़ जाएगी, तो चाय की खेती कैसे जगह पे होनी चाहिए, चाय की खेती होनी चाहिए ढाल पे, सीढ़ीदार खेती करते हैं ना, कि पानी रुके ना, बस पानी मिले बह जाए। लेकिन जो धान की खेती होती है उसमें क्या होता है, वो गड्ढे में होता है, उसमें पानी भर के छोड़ दो, भर जाए पानी। तो तमाम चीजें हैं, कहने का मतलब ये सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से ये होगा। चलो यहां तक बातें हमने क्लियर कर ली, अब बढ़ेंगे आगे। देखो हमने आपको बताया था कि प्लांट ग्रोथ के तीन फेजेस होते थे, है ना, और एक फेज होता था इनिशियल फेज और दूसरा मिडिल फेज और तीसरा होता था लास्ट स्टेशनरी फेज। ये तीन फेजेस होते हैं प्लांट के ग्रोथ के। इन फेजेस को हम तीन कैटेगरीज में बांट सकते थे। पहला
फेज ऑफ सेल डिवीजन फेज ऑफ सेल मैच्यूरेशन फेज ऑफ सेल इलोंगेशन है ना। तो अगर किसी भी पौधे की वृद्धि की बात करें, किसी भी प्लांट के हम ग्रोथ की बात करें, तो प्लांट ग्रोथ को हम ये तीन कैटेगरीज दे सकते हैं। पहली कैटेगरी है इनिशियल फेज, प्रारंभिक अवस्था। दूसरी होती है मिडिल फेज, मध्य अवस्था। और तीसरी होती है लास्ट फेज, लास्ट स्टेशनरी फेज, अंतिम अवस्था। तो किसी भी पौधे में जो इनिशियल फेज होता है उसमें क्या होता है, फेज ऑफ सेल डिवीजन। फेज ऑफ सेल डिवीजन का मतलब इसमें कोशिकाएं विभाजन होंगी, एक कोशिका से कई सारी कोशिकाएं बनेंगी, एक सेल से कई सारे सेल्स डिवाइड होंगे। अब यही पेपर में पूछा कि जो सेक्शन है, जो प्लांट का ग्रोथ है वो कैसे है, तो इसमें तीन ऑप्शंस आते हैं, इनिशियल, मिडिल, लास्ट, ऑल ऑफ दीज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब बोलेगा कि इसमें से कौन इनिशियल को दिखाता है, मैच द कॉलम करके आ जाता है। तो इनिशियल को कौन दिखाता है, फेज ऑफ सेल डिवीजन। मिडिल को कौन दिखाता है, फेज ऑफ मैच्योरेशन। और इसको कौन दिखाता है, इलोंगेशन। अब जरा मुझे कमेंट में बताओ कि फेज ऑफ सेल डिवीजन ये किस विधि से होता है, मियोसिस से होता है कि मेटोसिस से, जल्दी से बताओ, देखूं सबसे पहले और सबसे जल्दी कौन बताता है, इस आंसर को सबसे पहले और सबसे जल्दी कौन बताता है। तो राम प्रकाश यादव, राजेश कुमार, प्रीतिराज, बताओ बच्चे, जो लोग अभी जुड़े उनको भी बहुत बहुत गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आंसर है कि ये प्रक्रिया जो है बेसिकली माइटोसिस से होती है, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। क्यों, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, एक कोशिका है और वो एक कोशिका टूटकर दो बनाती है, फिर ये भी टूट के दो बनाएगा, है ना। तो ऐसे ही टूटता रहता है, एक से दो, फिर दो से दो, फिर दो से दो, ऐसे बनता रहेगा। तो माइटोसिस होता है फेज ऑफ सेल डिवीजन में, यहां पे क्या होता है, माइटोसिस होता है। मदर सेल से डॉटर सेल बनते हैं, मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। दूसरी जो चीज है सेल मैच्योरेशन, इसमें क्या होता है, बोलेगा कि ये जो मिडिल फेज है, सेल मैच्योरेशन का फेज है, इसमें क्या होता है बताओ। तो आपका आंसर होगा इसमें पौधों की एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, एच से ऊंचाई और वी से आयतन। तो इसमें पौधों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, आयतन ये बढ़ेगा, यानी पहले कोशिका बनेगी पहले फेज में, फिर उस कोशिका का कितना मोटाई, लंबाई, चौड़ाई हम बढ़ा सकते हैं वो होगा। अब क्या होगा, अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब तीसरे फेज में क्या होगा, इलोंगेशन में चीजें स्टोर की जाती हैं, संग्रह किया जाता है। तो इलोंगेशन का जो फेज है ना, उसमें चीजें संग्रहित होती हैं, उसमें चीजें इकट्ठी होती हैं, उसमें संग्रह होता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चलता है। आप अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, समझते जाओ। तो ये चीजें हैं, फेज ऑफ सेल इलोंगेशन, स्टोर, ये वो ऐसे वैसे, ठीक। क्या स्टोर होता है ये भी पूछता है, तो मैं लिख देता हूं, देखो, सेल्यूलोज, लिग्निन,
सुबेरिन, गम, टेनिन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इकट्ठी होती है। ये सब पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, प्लांट के लिए जरूरत नहीं है। तो प्लांट इसको क्या करती है, अपना स्टोर कर देती है सेल्स के अंदर के भाई पड़ा रहेगा और हम लोगों के लिए फायदेमंद है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अपने अलग अलग फंक्शंस में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मैं किनारे हो जा रहा हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें ना एक चीज पूछी जाती है जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है कि प्लांट ग्रोथ हो गया, सब कुछ हो गया, इसको नापे कैसे, देख कैसे सकते हैं। तो प्लांट ग्रोथ को देखने के लिए ग्राफ बनाया जाता है। इस ग्राफ में यहां पे हम लेते हैं एरिया ऑफ लीफ, पत्ती का क्षेत्रफल, पत्ती का आकार, और यहां पे हम लेते हैं नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। जैसे मान लो कोई नया नया पौधा है छोटा सा एकदम, तो उसकी पत्ती छोटी छोटी होगी, कितनी बड़ी होगी, छोटी छोटी होगी। और कोई पुराना पौधा है बरगद का, पीपल का, तो उसके पत्ते क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। तो तुम किसी भी पत्ती के ग्रोथ को नाप सकते हो किससे, पत्ती के एरिया से। तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका ग्राफ दिया था, इसको बोलते हैं सिग्माइड ग्रोथ कर्व, सिग्माइड ग्रोथ ग्राफ। विज्ञान का पेपर हो, ग्रोथ की बात हो और ये ना पूछा जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोल करके इसकी बेइज्जती करना है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो सिग्माइड ग्रोथ कर्व को मैंने कई सारे एग्जाम्स में देखा है। क्या है, आप तो अभी इनिशियल स्टेज पे एग्जाम दे रहे हो, मैंने इसको मेडिकल पेपर तक में देखा है और एक बार नहीं कई बार ये पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन कहाँ आ जाए कोई नहीं जानता। तो दैट इज द थिंग कि सिग्माइड ग्रोथ कर्व इज रिलेट्स विद, तो सिग्माइड ग्रोथ कर्व इज रिलेट्स विद प्लांट ग्रोथ। इट बेसिकली रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ लीफ एंड द डेज, एरिया ऑफ लीफ एंड डेज, पत्ती का क्षेत्रफल और दिनों की संख्या के आधार पे हम सिग्माइड ग्रोथ कर्व को देख सकते हैं। अच्छा, आप पूछेगा कि ठीक है सिग्माइड ग्रोथ कर्व तो है, बट ये कर्व दिखता कैसा है, ए की तरह है, बी की तरह है, सी की तरह है, डी की तरह है, किसके जैसा है भाई? तो आंसर क्या होगा, एस लाइक, किसकी तरह, यस के जैसा, किसकी तरह, यस के जैसा, एस लाइक होता है ये सिग्माइड ग्रोथ कर्व, एस के जैसा होता है, एस। अब ये जो सिग्माइड ग्रोथ कर्व है ये क्या दिखाता है, देखो ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अभी तुम्हें तीन स्टेजेस मैंने लिखवाए थे ना, इनिशियल ग्रोथ फेज, मिडिल ग्रोथ फेज और लास्ट वाला। तो देखो ये वाला इनिशियल दिखाता है, यानी पहले जो कोशिका विभाजन होता है वो हो रहा है, फिर मिडिल वाला जो था इलोंगेशन वो बहुत तेजी से हो रहा है, और फिर मैच्योरेशन मतलब जो चीजें स्टोर हो रही थी तीसरा स्टेज था वो देखो इस तरीके से हो रहा है। एक खास बात और इसमें छुपी हुई है जो मैं आपको बता दूं, पौधों की वृद्धि कभी रुकती नहीं है, पौधों में ना लगातार वृद्धि होता है। एनिमल्स की वृद्धि तो रुक जाती है,
एनिमल्स की वृद्धि एक समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है, लेकिन प्लांट्स की ग्रोथ, प्लांट्स की वृद्धि कभी रुकती नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, हाँ धीमी हो जाती है। तो ये वो फेज है जो दिखाता है कि पहले ग्रोथ हो रहा है, उसके बाद धीमा हो गया, लेकिन होता रहेगा, ये पूछेगा। ठीक है, तो चलो भाई यहां तक कवर करा दिया तुम लोगों का। अब अगला प्रश्न, वृद्धि को नापेंगे कैसे? मेजर कैसे करोगे? तुमको कैसे पता चलेगा कि प्लांट की ग्रोथ हो रही है? चलो ठीक है, तुमने सेल वाला पार्ट देख लिया, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर देख लिया, कैसे ग्रोथ होता है उसके फेजेस देख लिए, किस तरीके से ग्रोथ नाप सकते हैं वो भी जान लिया, कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, आंतरिक कारक बाह्य कारक, वो भी जान गए। मेन मुद्दा है कि हम कैसे जाने की ग्रोथ हो रहा है, नापे कैसे उसको। भाई हमने एक पौधा लगा दिया, अब हमें पता कैसे चले कि हमारा पौधा ग्रोथ कर रहा है? तो देयर वर डिफरेंट मेजरमेंट्स। सबसे पहला तरीका बाई स्केल। भाई सिंपल, एक स्केल ले लो जो तुम्हारे पास होता है कॉपी ओपी पे लाइन खींचने के लिए, उससे नाप लो, सिंपल। दूसरा तरीका क्या है, बाई ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीनोमीटर एक यंत्र होता है, तो उस ऑक्सीनोमीटर के सहायता से भी देखा जा सकता है, नापा जा सकता है, बाई हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप। ये भी एक तरीका है, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, उससे भी इसको हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, तो प्रीतिराज समझ में आ गया सबको? चलो बहुत बढ़िया। तो प्रीतिराज, राजेश कुमार, ओम प्रकाश, इन सारे बच्चों को यहां तक मामला क्लियर हो गया। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं हम लोग। यहां तक चीज हम लोगों ने देख लिया है, नेक्स्ट पॉइंट आगे चलेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब बारी आती है केमिकल फैक्टर्स की। देखो प्लांट ग्रोथ की बात हो रही है, अब प्लांट ग्रोथ पे दो चीजें इफेक्ट करेंगी, जेनेटिक और केमिकल। तो पहले केमिकल देखते हैं।